अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकते। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। राहुल गांधी की स्वर्गीय नानी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में देश के गृह मंत्री के ऐसे बोल मीडिया पर सवाल उठाते हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर अमित शाह की बजाय किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने ऐसा बोला होता कि अमित शाह की स्वर्गीय नानी या पीएम मोदी की नानी भी ऐसा नहीं कर सकती, तो अब तक पूरा मीडिया बवाल काट देता कि देखिए मोदी के परिवार को किस तरह गालियां दी जा रही हैं, मोदी के परिवार के सदस्य जो दुनिया में भी नहीं है उनके बारे में भी क्या क्या बोला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की नानी पर अमित शाह ऐसी घटिया बात करते हैं, जो नानी इस वक्त दुनिया में भी नहीं है, दुनिया छोड़ चुकी है, उनके बारे में ऐसे बोल बोलते हैं अमित शाह चुनावी रैलियों में, लेकिन मीडिया में कहीं चूं तक नहीं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह दिखाता है मीडिया के दोहरे रवैये को। इसके अलावा अमित शाह ने एक और ऐसा दावा किया जिसे सुनकर हंसी आती है कि किस तरह जनता को मूर्ख मान लिया गया है। पहले अमित शाह का तेलंगाना में ये दावा सुनिए। मैं आपको विनंती करने आया हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। तो अमित शाह कहते हैं कि तेलंगाना वालों अगर 10 सीट बीजेपी को दे दी तो तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बना देंगे। लेकिन बिहार में पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीट दी थी बिहार वालों ने एनडीए को, बीजेपी को, तो क्या बिहार को नंबर 1 राज्य बना दिया? इसके अलावा किस किस राज्य को नंबर 1 बनाया जाएगा? अमित शाह तेलंगाना को नंबर 1 बनाने का सपना बेचते हैं, तो उड़ीसा में पीएम मोदी क्या कहते हैं जरा सुनिए। एक बार भाजपा को मौका दीजिए और मैं आपको कहता हूं, 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। तो पीएम मोदी कहते हैं कि उड़ीसा को नंबर 1 राज्य बना देंगे अगर डबल इंजन सरकार आई तो। इससे पहले कर्नाटक में पीएम मोदी ने क्या दावा किया था जरा वो भी सुनिए। कर्नाटक के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का है। यानी जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार करने जाते हैं पीएम मोदी और उनके मंत्री, उस राज्य को नंबर 1 बनाने का सपना बेच दिया जाता है। जब आप देश की सरकार संभालते हो तो आपको यह बोलना चाहिए कि सभी राज्यों में समान विकास किया जाएगा। आप उस राज्य के नागरिकों को एक सपना बेचते हो कि आप पर स्पेशल कृपा होगी, आपको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, आपके राज्य को नंबर 1 बनाया जाएगा, तो फिर बाकी राज्यों के साथ क्या भेदभाव किया जाएगा? कम से कम कोई मुख्यमंत्री ऐसा दावा करे तो शोभा देता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने राज्य को नंबर 1 बनाऊंगा। उस प्रदेश सरकार के मंत्री ऐसी बात करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए सभी राज्य बराबर होने चाहिए, चाहे किसी की सरकार क्यों ना हो, चाहे डबल इंजन की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि बिना भेदभाव के काम किया जाए और सरकार की योजना को बिना भेदभाव के लागू करने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री का या किसी मोदी सरकार के मंत्री का किसी राज्य को नंबर 1 बनाने की बात करना अपने आप में अलोकतांत्रिक है और केंद्र सरकार के भेदभाव वाली बात को दर्शाता है कि हमें वोट दिया तो ही नंबर 1 बनाएंगे, हमें 10 सीट दी तो ही नंबर 1 बनाएंगे। हालांकि सीटें दे दी जाती हैं 40 में से 39, उस राज्य के क्या हालात है सबको पता है। तो बिहार को कहां पहुंचा दिया, पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए और पीएम मोदी को भी बताना चाहिए कि डबल इंजन सरकार में फला राज्य में हमने देश में जहां डबल इंजन सरकार आई उसको ऐसे नंबर 1 बनाया। थोड़ा उदाहरण जनता के सामने पेश करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप अमित शाह के ऐसे बयान, पीएम मोदी के ऐसे बयान और जनता को मूर्ख बनाने के ऐसे सिलसिले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।